सनम यही तो कह दिया, अरे ओ बामरी मेरा दिल नहीं लिया रे तूने दर्द ले लिया कि मैंने और क्या किया। बहके तो रुक गई क्यों बोझ तले नैनों के झुक गई क्यों ओ ये एक नजर में क्या हुआ, ये एक नजर में क्या हुआ, बन के मोम क्यों पिघल गया बदन तेरा कि मैंने और क्या किया। बापू तुम हमेशा मुझ पर नाराज होते रहते हो, अपने भैंसे से कुछ नहीं कहते, वो पट्टा हमेशा रास्ते में सो जाता है। सोता वो नहीं तू है, तभी तो तेरी आंखों में धूल झोंक के वो सगुना को ले गया। मैं आज उस सोमू के बच्चे की हड्डी पसली कर दूंगा। सुनो सुनो जरा संभल कर, 10-5 आदमी अपने साथ लेके जाना। मां तू गर्भवती क्यों है, बापू खूब जोर वाला है। क्या हुआ? अरे मेरे को भूख लगी, भूख लगी। चल खाना दे, चल। सोमू, मुझे वचन दे कि तू मेरे साथ शादी करेगा। पहले तू वचन दे कि सुख में दुख में मेरा साथ देगी। दुख में सुख में हमेशा तेरा साथ दूंगी। तो ले, मैं भी वचन देता हूँ तेरे ही साथ शादी करूंगा। तूने कह दिया, बस हो गई शादी। चौबे गुंडे एक भोली भाली लड़की को बहका रहा है, बेईमान। बेईमान मैं नहीं तुम हो, इस बेचारे के गले में अपने पागल बेटे को बांधना चाहते हो, इसकी जमीन जायदाद हड़प करना चाहते हो। बंद कर यह बकवास, देखते क्या हो, मारो इसे। देखो ये भागने न पाए, इसकी हड्डी पसली एक कर। Thank you.
कम्मी ने ये क्या किया तूने? नीच बदमाश, ये गाड़ी कैसे तोड़ दी? हराम, कितने अच्छे गाड़ी थे भैया। भैया सोमू, मेरे बच्चे सोमू। सोमू मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? इसे क्या होता, गाड़ी तोड़ लाया। अरे गाड़ी के चूल्हे में गंगा शंकर भी इसके साथ था, वो शंकर कहाँ है? बोलता क्यों नहीं? घबराए नहीं सरकार, वो ठीक है, इस घटना के वक्त वो गाड़ी में नहीं थे। नहीं तो सोमू किसने मारा तुझे? बता बेटे, बता बेटे। मैं बताता हूँ राजा साहब, आपने इस बदमाश को बाघ की रखवाली के लिए रखा या लोगों की इज्जत लूटने के लिए? ये झूठ है, मैंने किसी की इज्जत नहीं लूटी। तू चुप रह, क्या किया उस बदमाश ने? सरकार मेरी होने वाली बहू को बहका के ले गया और इस बग्गी में सैर करा रहा था। मैं तो पहले ही जानती थी ये गुंडा जरूर कोई गुल खिलाएगा और हमें मुसीबत में डालेगा। बेकार मोहब्बत में समझाना बुझाना है, दिल एक ही काफिर है, मानेगा ना माना है, क्यों बोले जा रही हो? महेश तुम हमेशा बीच में बोल। राजा साहब मैं जिंदगी भर आपके इशारों पे नाचता रहा, जान की बाजी लगाता रहा, उसका यही बदला है कि ये आपका दो कौड़ी का नौकर ऐसी हिम्मत करे? राजा साहब मैंने इसे आपका मुंह देखकर छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया? इसे जान से मार देना चाहिए था। कमीने, हमारे टुकड़ों पर फुलता है। भगवान के लिए इसे और मत मारिए, ये काफी मार खा चुका है। जा पार्वती, हम इसके हड्डियां तोड़ देंगे। मैं आपके पांव पड़ती हूँ। आप मत रोको माँ जी। राजा साहब मारी, जितना चाहे मारी, मैं उम्र तक नहीं करूँ। ये क्या पागलपन है, सच बता, ये लोग जो कुछ कह रहे क्या सच है? माँ जी ये झूठे के मैंने सगुड़ा को बहका है, लेकिन ये सच कि वो मेरे साथ थी, हम दोनों एक दूसरे को चाहते। तुमने क्या कहा इस नमक हराम ने? इसका खाना पीना बंद। गंगा अगर किसी ने इसे खाने को दिया तो हमसे बुरा कोई ना होगा, मर रहे उसे भूखा। बलराम अगर फिर उस लड़की के साथ गया तो हम इसे गोली छोड़ा देंगे। जाकर अरे मुंह क्या ताकता हमारा, काला मुंह कर जाते। पार्वती इस नीच के लिए तुम क्यों दुखी होती हो? चलो यहां से। सुनो क्या वो लड़की सचमुच तुझसे प्यार करती है? वो मुझसे शादी करना चाहती है। और तू? मैं उसे वचन दे चुका हूं। और मैं भी तुझे वचन देता हूं, तेरी शादी उसी लड़की के साथ कराऊंगा। सच भैया? हाँ सोम, कल सुबह मैं शहर जा रहा हूँ, अगली छुट्टियों में आकर अपना वचन पूरा करूंगा, और तब तक पिताजी का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। बेला, रोज पिताजी फिर किसी पर बिगड़ रहे हैं। ये खाना किसके लिए ले जा रही है? जी रानी साहब के लिए। ले जा। गंगा ख्याल रखना उस कमीने को कोई खाना ना दे। नहीं भैया बिल्कुल नहीं। नमक हराम। Thank you.
माँ जी उठ खाना खाए। माँ जी आप मेरे लिए कितनी तकलीफ उठा रही हैं। माँ होना लेकिन आप खाना क्यों ले आई? अगर राजा साहब को पता चल गया तो खामखा आप पर मुसीबत आ जाएगी और फिर मुझे भूख भी तो नहीं है। बेटा सिर्फ जन्म देने वाली माँ ही नहीं बल्कि बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने वाली अभागिन भी ये जानती है कि बच्चा भूखा है या नहीं। चल खाना खा ले, ले। हाथ धो। अरे बाप का क्या जाता है, खाने दे गंगा भवानी। भैया ने उसे खाना ना देने के लिए कहा था। और मैं ना कहने के लिए कह रहा हूँ। मैं कहूंगी। कहोगी? कहूंगी कहूंगी कहूंगी। छोड़ा मेरा हाथ। छोड़ दिया। भैया 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 न बाप को पता न बाप को पता मैं दुखिया अनाथ कहा जाओ बताओ मैं दुखिया अनाथ कहा जाओ अपने भैया से कहो 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 मैं नहीं कहती जाओ जाओ। दुखिया अनाथ कहाँ जाओ बंद करो ये गाना। तो संभालो अपना ठिकाने बैठ जाओ बैठ कान पकड़। नहीं पकड़ूंगी। ठीक है तो फिर मैं खुद तुम्हारे भैया से जाके कहता हूँ न दांत का पता है न बात का पता। भगवान के लिए भैया से कुछ नहीं कहना। तो पकड़ो कान अब गाना भी गाओ। गाना माँ जी मैं जब भी आपसे अपने माँ बाप के बारे में पूछता हूँ आप हमेशा टाल देती हैं लेकिन आज तो बता ही दीजिए मेरा बाप कौन था मेरी माँ कौन थी। सोमो तू ये क्यों नहीं मानता कि जो तेरे सामने खड़ी है वही तेरी माँ है। आप मेरी माँ काश आप मेरी माँ होती। कितनी बदनसीब हूँ मैं कि मैं तुझे अपना बेटा मानती हूँ लेकिन तू मुझे अपनी माँ नहीं समझता। क्या जन्म देने वाली माँ ही माँ होती है। मुझे माफ कर दो माँ जी मैं फिर नहीं पूछूंगा। सोमू मेरे बेटे मैं तुझसे दो वचन मांगती हूँ। दो के कौन से वचन माँ जी? उनकी बातों का बुरा ना मानना बेटा। वो जो कहते हैं या करते हैं तेरी भलाई के लिए बेटा। माँ जी मैंने आज तक उनके खिलाफ कुछ कहा है? मैं अनाथ हूं लेकिन उनके साये में रहकर अपने को सनाथ समझता हूं। अपने सगे बाप की तरह उनकी इज्जत करता हूं और करता रहूं। दूसरा वचन क्या है माँ जी? बोलो ना माँ जी। मुझे माफ करना बेटा। तू तू सगुना को हमेशा के लिए भूल जा बेटा। माँ जी सगुना मेरी अंधेरी जिंदगी में खुशी का चिराग लेकर आई। आप उसे बुझाना चाहती हैं, मेरी खुशी छीनना चाहती हैं, मेरे प्रेम का बलिदान चाहती हैं आप।
तुम सच कहते हो बेटा, मैं कौन होती हूँ तुझसे बलिदान मांगने वाली? कौन सी माँ का फर्ज पूरा किया है मैंने? लेकिन बेटा, 9 महीने पेट में रखकर तकलीफ जो माँ को होती है, उससे हजारों गुना ज्यादा तकलीफ सही है मैंने। कभी उफ तक नहीं किया, आंखों में छलकते हुए आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं आने दिया मैंने। और कुछ न कहो माँ जी, वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। इस दुनिया में आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है। मैं आपकी खुशी के लिए सगुड़ा को भूल जाऊंगा। मैं वचन देता हूँ, मैं सगुड़ा को भूल जाऊंगा, हमेशा के लिए भूल जाऊंगा, हमेशा के लिए भूल जाऊंगा।